नमस्कार दोस्तों, प्यारे छात्रों, अब हम परवलय के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x की नाभि, नाभि को बोलते हैं इंग्लिश में फोकस, के कोऑर्डिनेट निर्देशांक, नाभिलंब की लंबाई, लैटिस रेक्टम, अक्ष का समीकरण एवं नियता का समीकरण ज्ञात करो। नियता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर? तो देखो भाई, ये जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, परवलय का समीकरण क्या है? ये दे रखा है परवलय का समीकरण, क्या दे रखा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब ये देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके रूप में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के जैसा है नहीं, ये इस रूप का है, क्योंकि हमने चार स्टैंडर्ड फोरम पैराबोला के पढ़ चुके हैं, तो इसमें ये पहला फोरम है, ये इस रूप का है। देखो, मैं इसी को इस रूप में किस प्रकार से कन्वर्ट करने का प्रयास करता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 × 2 × x। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो इन दोनों को कंपेरिजन करो। कंपेरिजन करेंगे तो ये 4 तो 4 समान है, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहां से लिख सकते हो a बराबर में कितना आ गया? 2। क्लियर? और इसका जो डायग्राम है वो क्या आता है हमारे पास? इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से। ये इसकी नाभि होती है, फोकस, इसको ऐसे लिखते हैं, ये इसकी नाभि है। तो यहां से नाभि के कोऑर्डिनेट कितने बता दोगे आप? नाभि के कोऑर्डिनेट एस ए जीरो, ए जीरो कितना हमारा? 2 0। ये तो नाभि के निर्देशांक, तो लिख सकते हो आसानी से, नाभि के निर्देशांक कितने आ गए? ये एस ए जीरो इक्वल टू 2 0। अब आती नाभि लंब की लंबाई, इसकी नाभि लंब की ये होती लैटिस रेक्टम, कितनी आती है? यदि ये पैराबोला होता तो इसकी नाभिलंब कितनी होती है? 4a। कितनी होती है? 4a। ये तो होती है नाभिलंब, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस टोटल कितनी होती है? ये बोल रहे थे l और ये l डैश, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? 2a। ये होती है 2a, कितनी हो गई है? 4a। क्लियर? तो 4a की वैल्यू कितनी हमारी? 2। तो यहाँ लिख सकते हो 4 × 2 2, कितने आ गए भैया? 8। क्लियर? फिर कह रहा है अक्ष का समीकरण, किसका समीकरण ज्ञात करना हमें? अक्ष का समीकरण। तो अक्ष का समीकरण बताओ क्या होगा? अक्ष का समीकरण क्या है? कौन सी अक्षिस है? ये एक्स बराबर 0 होता है अक्षिस, तो यहाँ लिख सकते हो आप एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है? 0। तो वाई बराबर 0 अक्षिस है। क्लियर? फिर आती है नियता का समीकरण, नियता देखो भाई कितनी आएगी, ये नियता होती है, ये डिस्टेंस तो कितनी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 है, और 2 का रिवर्स एक्स इक्वल टू माइनस का 2। तो नियता का समीकरण क्या आ जाएगा हमारे पास? क्लियर? तो नियता का समीकरण, यही तो आएगा एक्स इक्वल टू माइनस 2, ये नियता है। क्या ये? डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर? तो ये यदि आपको पैराबोला दे दिया गया हो तो उसमें आप नाभि के कोऑर्डिनेट कैसे याद कर सकते हो? आपको बता रखा है जो डेफिनेशन होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, केवल नाभि लंब की लंबाई, अक्ष का समीकरण और नियता का समीकरण आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे छात्रों, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो और आपको समझ में भी आ गया होगा, ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? तो इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आ जाए तो एक दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।